The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So baat karenge aaj management of septic shock stage in COVID-19. दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एडल्ट में इन्फेक्शन जब इस स्टेज पे पहुंच गया है कि पेशेंट को सस्पेक्टेड या कंफर्म पेशेंट को सेप्टिक शॉक में हो रहा है यानी उसका ब्लड प्रेशर नहीं आ पा रहा है और उसको वैसोप्रेसर्स की ज़रूरत पड़ रही है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाओं की ज़रूरत पड़ रही है और उसका जो बीपी होना चाहिए मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होना चाहिए वो मिनिमम 65 के ऊपर रखने के लिए आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ रही है या उसके लैक्टेट ब्लड के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है जो एसिड होता है अगर प्रॉपर सर्कुलेशन ना हो तो जमा होना शुरू हो जाता है वो 2 mmol/L से के नीचे है उतना रखने के लिए ही आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने के वैसोप्रेसर की ज़रूरत पड़ रही है तब फिर उसका ये रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है और इसमें ये भी ज़रूरी है कि पेशेंट कहीं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ना हो तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो डिहाइड्रेटेड पेशेंट को हाइड्रेट करने से ही शॉक से वो बाहर आ सकता है फ्लूइड रेसुसिटेशन जिसको कहते हैं सो एक उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको सो ये चीज़ रिकग्नाइज़ करना है कि कौन सा पेशेंट शॉक में है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और लैक्टेट लेवल से लेकिन सेकेंड आपने देखना है बच्चे के केस में बच्चे हाइपोटेंशन में यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बच्चों का अगर लो होते जा रहा है और टैकीकार्डिया हो रहा है दिल की धड़कन बढ़ रही है दिल की धड़कन जो देखी जाती है देखिए एज वाइज ब्लड प्रेशर बदल जाता है बच्चों का इसलिए बच्चों का उनकी एज के फिफ्थ सेंटाइल से नीचे जा रहा है अगर या 2 standard deviation से ज़्यादा नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर हर एक में अलग ब्लड प्रेशर होता है और या फिर उसको साथ में ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट है दिल की धड़कन बड़ी है या बहुत स्लो हो गई है बड़ी का मतलब 160 से ज़्यादा या बहुत स्लो मतलब 90 से कम छोटा बच्चा 1 साल का है तो इन्फंट है और उससे बड़ा है तो ज़्यादा मतलब फिर 150 से ज़्यादा या 70 से कम में गड़बड़ी है या फिर प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिलिंग रिफ्लेक्स हम देखते हैं कि बच्चे का कैपिलरी रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्स वो कितना जल्दी भर रहा है greater than 2 seconds का टाइम लग रहा है दैट मीन्स सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ज़्यादा देर से सांस ले रहा है मॉटल्ड स्किन है पेटिकिया पर्पुरिक रैश या इंक्रीज लैक्टेट ओलिग्यूरिया पेशाब नहीं आ रहा हाइपरथर्मिया हाइपोथर्मिया ये सारे साइंस होते हैं जब बच्चे बोल नहीं पाते तो आपको ये सारे साइंस देख के पता करना होगा कौन सा पेशेंट शॉक में है बच्चा है उसके केस में अब अगर आपके पास में मान लो लैक्टेट मेजर करने के लिए ABG नहीं है एटेरियल ब्लड गैस से देखते हैं तो फिर मैप यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम देखते हैं कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के हिसाब से आप ये देखेंगे कि आपका जो ये है क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है कितना आपको कितना हमें फ्लूइड देना है और कहाँ पेशेंट प्रॉपरली रिससिटेट हुआ है कि नहीं हुआ है टू डिफाइन कि ये शॉक है कि नहीं है मीन मैप अगर 60% से 65 से कम आ गया तो स्टैंडर्ड केयर में आपको याद रखना है अर्ली रिकग्निशन ट्रीटमेंट विद इन 1 hour ऑफ रिकग्निशन उसमें साथ में आपका फ्लूइड लोडिंग होगा फ्लूइड देना होता है लोडिंग मतलब रिससिटेशन एक 200 ml 300 डिपेंडिंग अपॉन एज पेशेंट की पुरानी कंडीशंस उसके हिसाब से हम देते हैं कई बार 500 ml कई बार 1 liter फ्लूइड दिया जाता है डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस उसके बाद में वो क्या है वो बताऊंगा मैं एटलीस्ट क्या कितने डोज में देना है रिससिटेशन में तो फर्स्ट थिंग फ्लूइड लोडिंग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी वैसोप्रेसर्स फॉर हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाएं नॉरएडिनालिन डोपामिन ये सब चीज़ें दी सकते हैं फिर सेंट्रल वीनस एंड आर्टेरियल कैथेटर डालना ज़रूरी है गले से और यहाँ से ये कैथेटर डाल के हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर एक्चुअली फ्लूइड कितना है सेंट्रल CAP सेंट्रल वीनस प्रेशर सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना है वो देख के CVP के हिसाब से फ्लूइड दिया जाता है सो डिटेल्स गाइडलाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं रिससिटेशन में सेप्टिक शॉक में एडल्ट में यू नीड टू गिव एटलीस्ट 30 ml/kg ऑफ आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड फ्लूइड विद इन फर्स्ट 3 hours तो अगर आपका मान लो 50 kilo का कोई पर्सन है तो मतलब डेढ़ लीटर आपको उसको फ्लूइड देना पड़ेगा 50 × 30 1.5 liter आपको देना पड़ेगा फ्लूइड 3 घंटे के अंदर सो ये इसके हिसाब से करना होता है रिससिटेशन में सेप्टिक शॉक में बच्चों के केस में 20 ml/kg देना पड़ जाता है और रैपिड बोलस दे सकते हैं और 40 to 60 ml/kg दे सकते हैं विद इन 1 hour
20 ml रैपिड बोलस और 40 से 60 ml उसके आगे एक घंटे में. इसमें हाइपोटोनिक क्रिस्टलॉइड स्टार्च जेलेटिन्स नहीं यूज़ करने हैं. आइसोटोनिक फ्लूइड यूज़ करना है, आइसोटोनिक यानी कि रिंगल लैक्टोस और नॉर्मल स्लाइन जैसी चीज़ें. फ्लूइड रिससिटेशन कैन लीड टू वॉल्यूम ओवरलोड ऑल्सो. इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें एकदम से एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो सकता है. अगर वायरस ने हार्ट को अटैक किया हुआ है, हार्ट कमज़ोर है, तो पेशेंट कैन गो इनटू हार्ट फेलियर, कैन गो इनटू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, तो वो भी प्रॉब्लम आ सकती है. सो आपको क्या देखना है इस बीच में, पेशेंट का JVP जुगुलर वीनस डिस्टेंशन के लिए देखना है, लंग्स के अंदर स्टेथोस्कोप से देखना है कोई क्रैकरिंग साउंड क्रैप्स तो नहीं आ रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा आपके एक्सरे में तो नहीं आ रहा है, लिवर बड़ा तो नहीं हो रहा है, हेपेटोमेगैली तो नहीं हो रही है बच्चों में. अगर ऐसा कोई भी दिख रहा है साइन, तो फिर सीधा फ्लूइड रिससिटेट, फ्लूइड रिड्यूस करना है या डिसकंटिन्यू करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट कहीं फ्लूइड ओवरलोड में चला जाता है रेस्पिरेटरी फेलियर, उसको वेंटिलेटर की जरूरत है, और ऐसे कंडीशन नहीं आने देना आपका जिम्मेदारी, डॉक्टर की जिम्मेदारी है. ऑल्टरनेट फ्लूइड रेजिमेंट आर ऑल्सो सजेस्टेड इन केस ऑफ बच्चे जहां पर रिसोर्सेज कम है. क्रिस्टोलाइड का मतलब जैसे बता दिया, नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेस ये दोनों, और एडिशनल फ्लूइड बोलसेस आगे दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल रिस्पॉन्स और पेशेंट के परफ्यूजन टारगेट, CVP और ब्लड प्रेशर टारगेट मैप 60% के ऊपर, उसका 65 mm ऑफ HG के ऊपर मैप आया है कि नहीं आया, मीन आर्टेरियल प्रेशर. परफ्यूजन टारगेट्स ये होने चाहिए. आउटपुट का टारगेट होना चाहिए कि यूरिन आउटपुट मिनिमम 0.5 ml पर kg पर आवर आते रहे. मतलब अगर आपका 60 किलो का कोई पर्सन है, तो कम से कम 30 ml का यूरिन हर घंटे आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है कैथेटराइज करके, तो दिक्कत होगी. और बच्चों के केस में 1 ml पर kg पर आवर आना चाहिए, ये ज़रूरी है. जी हाँ, मोर देन बच्चों के केस में ज़्यादा यूरिन आता है, याद रखिए. सो और साथ में आपको देखना है बच्चों के केस में स्किन मॉटल्ड जो है वो बेटर हो रही कि नहीं, कैपिलरी रिफ्लेक्स बेटर होना कि नहीं, पेशेंट बच्चा जो है कॉन्शियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके लैक्टेट वैल्यूज़ बेटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. उसमें डायनेमिक इंडेक्सेस आप देख सकते हैं, वॉल्यूम रिस्पॉन्सिवनेस टू गाइड वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन बियॉन्ड इनिशियल रिससिटेशन, दैट कैन ऑल्सो बी डन एंड बेस्ड ऑन वट एवर यू हैव लोकल रिसोर्सेज आपके पास हैं, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. और दीज और भी चीज़ें, जैसे ये इंडाइसिस का मतलब क्या कि आप पैसिव लेग रेजिंग कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि ब्लड प्रेशर कम है, तो लेग रेजिंग कर लें ताकि दिमाग में जाए. फ्लूइड चैलेंजेस दे सकते हैं, इनिशियल स्ट्रोक वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वेरिएशंस इन सिस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर कैन बी चेक्ड, इन्फीरियर वीना कैवा साइज चेक कर सकते हैं आप वो अल्ट्रासाउंड या इको का वो लगा के. स्ट्रोक वॉल्यूम देख सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन. ये सारी चीज़ें देख के हम पता कर सकते हैं पेशेंट को कितने फ्लूइड की ज़रूरत है एक शॉक के कंडीशन में. शॉक एक जानलेवा चीज़ है, अगर उसको नहीं ठीक से मैनेज किया तो पेशेंट की जान जा सकती है. ये बहुत महीन क्रिटिकल बात है. वैसोप्रेसर्स एडमिशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाएँ दी जाती हैं, या तो साथ में या फ्लूइड रिससिटेशन के बाद. याद रखिए, फ्लूइड रिससिटेशन पहला है, वैसोप्रेसर सेकंड, या साथ दिया जा सकता है. इनिशियल ब्लड प्रेशर टारगेट होता है जैसे हमने कहा, हमेशा बता रहे हैं मैप मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 mm के ऊपर एडल्ट्स में, और एज अप्रोप्रिएट टारगेट बच्चों के केस में पीडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं. और सेंट्रल वीनस कैथेटर अगर है, तो उसके हिसाब से फ्लूइड दिए जाते हैं CVP लाइन को मॉनिटर करके. अगर साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन है, यानी कि आपका नहीं हो पा रहा ये सब, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, या फिर कार्डियक डिसफंक्शन आ रहा है कि आप हार्ट फेल होते हुए दिख रहा है ऐसे कंडीशंस में, तब फिर आपको फ्लूइड और वैसोप्रेसर के साथ आइनोट्रॉप्स यानी डोब्यूटामीन भी देना पड़ सकता है हार्ट को पंप करने के लिए. राइट, फॉर ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट हैं आप लोगों के समझने के लिए, कि अब तक देख लीजिए किसी भी प्रकार के स्टेप्स में हमने आपको इनिशियल मैनेजमेंट बताया. जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, आपको इनिशियल सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में, कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट और एम्पिरिकल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी के साथ दिया जाता है. उसके बाद में क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है. अगर पेशेंट ARDS में चला जाता है, तो उसको पहले प्रेशर वाइज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर रखा जाता है, फिर उसके बाद में उसको हैफनो पे रखा जा सकता है, और बाद में एंडोटर्कियल इंट्यूबेशन वेंटिलेटर, प्रॉपर वेंटिलेटर पे रखा जा सकता है. वेंटिलेटर से भी ना हो तो उल्टा रखा जा सकता है, प्रोन वेंटिलेटर पे 12 घंटे तक रखा जा सकता है. उसके बाद में भी अगर दिक्कत आ रही है, तो
जहाँ पर इसकी फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा जा सकता है, ECLS पे रखा जा सकता है, और इसके बावजूद भी फ्लूइड्स अगर सेप्टिक शॉक में जा रहे हैं तो पेशेंट्स को फ्लूइड रिससिटेशन, वैसोप्रेसर्स, आइनोट्रॉप्स, ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट है दोस्तों कोविड-19 का। इसमें कहीं भी कोई भी HIV की मेडिसिन नहीं आती है कि डायरेक्ट HIV मेडिसिन दी जाती है और पेशेंट को मार दिया जाता है। बहुत ही गलत प्रोपोगेंडा होते हैं दुनिया में। तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है, जिन पे होती है वो ही समझ सकते हैं कि उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जाते हैं। उस समय उनका भरोसा होना चाहिए डॉक्टर पे, ना कि डाउट या अविश्वास। सो ये बातें ज़रूर आगे लोगों को दीजिए, फैलाइए, बताइए। और भी अदर थेरेपेटिक मेजरमेंट्स होते हैं जो कभी कभी किए जाते हैं इसके अलावा, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किया जा सकता है 2-3 से 5 दिन के केसेस में। नॉर्मली नहीं किए जाते हैं, हर केस में नहीं देते हैं, रूटीनली नहीं देते हैं, कुछ स्टेज में दिया जाता है। रिकमेंडेड उसका होता है कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1-2 mg पर kg पर डे यूज़ किया जा सकता है, अगर हमें लग रहा है कि ये याद रखिए क्योंकि इसमें रिस्क है कि यहाँ पर इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट होता है स्टीरॉयड का, तो हम आपकी इम्यूनिटी सप्रेस नहीं करेंगे। अगर हमें लग रहा है साइटोकॉन स्टॉर्म है, पेशेंट के इम्यूनिटी ही डैमेज ज़्यादा कर रही है, तब फिर स्टीरॉयड से उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। और अगर मान लो कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, सीवियर केस है, तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब बच्चों के डॉक्टर, न्यूरोनेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। याद रखिए ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो एक डॉक्टर एक ICU में करते हैं। ना सिर्फ आपकी खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सो सपोर्ट दिखाइए, वीडियोस को शेयर करिए और सही जानकारी लोगों तक फैलाइए। यहाँ पे गलत जानकारियाँ बहुत फैलती हैं WhatsApp पे, YouTube पे। सो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मदद करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल है नीचे लिखिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।